Yeah, I think we're going to. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे GTA सा बटर नाइफ वाले रील कैसे एडिट करें। तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। सो आपको इंस्टाग्राम पर से बटर नाइफ वाली रील डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी उसका टेम्पलेट बनाया हुआ है तो मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये ब्लैक स्क्रीन को डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको 3 फ़ोटोज़ ऐड करनी है, आप खुद की भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर कार्स की फ़ोटोज़ ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको इन सब को सेट कर लेता हूँ। सो आपने इंस्टाग्राम पर से जो रील को डाउनलोड किया है उसका साउंड एक्सपोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, मैं उस म्यूज़िक को ऐड कर लेता हूँ। सो उसके बाद आपको म्यूज़िक बीट सेट कर लेनी है। म्यूज़िक में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी म्यूज़िक बीट सेट की हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कितनी सेकंड पे आपको म्यूज़िक बीट सेट करनी है। तो सबसे पहले हम इनको सेट कर लेते हैं। सेट हो चुकी है। तो फर्स्ट बटर नाइफ वाले रील को 6.57 सेकंड पे आपको कट कर लेना है। जो आपने फर्स्ट फोटो ऐड की है उसको 1.12 सेकंड पे सेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड फ़ोटो आपने जो सेट की है उसको 0.63 सेकंड पे सेट कर लेना है और थर्ड फ़ोटो को 1.33 सेकंड पे सेट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे इफ़ेक्ट ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमको इफ़ेक्ट ऐड करना होगा, तो हम इफेक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। इफेक्ट्स में आप यहां से कोई भी, आपको जो भी पसंद हो आप वो इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।